Hello students, as you all know that there are certain changes in your syllabus. So we will start with those part of third chapter which are included, which are added with the second part, the end of bipolarity, the end of bipolarity, sara chapter hi aana hai. Lekin naal de naal, thode se topic, unipolar world ka ek topic hai jo first hai, hum sabhi topics ko one by one lenge. And I'm going to explain you through this PDF and your notes. Unipolar world. Unipolar world, you know that there was bipolarity from 1945 to 1991 during the Cold War era, and the two superpowers, United States and USSR, they were against each other and they were trying to make more and more allies. Apne allies zyada to zyada banan di unhone koshish ki thi. And US hegemony jado 1991 de vich Berlin War khatam ho jandi hai, गिर जाती है, उस तो बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है. देर वॉज ओनली वन सोल सुपर पावर लेफ्ट एंड दैट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएस ही सिर्फ अकेला ऐसा देश बचता है जो कि हेजमनी अपनी डोमिनेंस सारे वर्ल्ड पर फैलाना शुरू कर देता है. बट लार्जली हमने ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कुछ 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड टू एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द टू सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी. उसी समय से ही हमें हमारी यूएस की हेजमनी 1991 में शुरू नहीं होती है, वो 1945 से ही शुरू हो जाती है जब दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान के दो शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर यूनाइटेड स्टेट्स ने फैलाए फेंके थे. So we were living in a period of hegemony right from the very beginning, from the end of the Second World War. So अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ किया है कि इसकी हेजमनी कल्चरल देख लें, जीन्स पहननी है लोगों ने, ईटेबल्स वेस्टर्न कल्चर्स के अकॉर्डिंगली वी आर बींग इन्फ्लुएंस. इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जो मेन है दैट वी आर गोइंग टू कम्प्लीट विद इन दीज डेज. एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. What was Gulf War? Gulf War जो है, in 1990 August इराक कुवैत पर हमला करता है और उसके काफ़ी सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. कई लोग बीच में पड़ते हैं, कई देशों के डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट के द्वारा they tried to convince Iraq to quit its aggression, but Iraq नहीं मानता है. वो तो कहता है कि मैंने इसके एरियाज़ कुवैत के एरियाज़ को, क्योंकि दोनों ही एरियाज़ ईरान, इराक एंड कुवैत, ऑल दीज नेशंस आर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस एंड देयर वर सर्टेन इश्यूज रिगार्डिंग दिस एंड दैट्स व्हाई इराक इन्वेडेड कुवैत. फिर यूनाइटेड नेशंस बीच में पड़ता है, वो एक मैंडेट पास करता है कि कुवैत को लिबरेट करवाया जाए बाय फोर्स. अगर बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट के द्वारा इराक नहीं मानता है तो बाई फोर्स हम कुवैत को आज़ाद करवाएंगे. फॉर यूनाइटेड नेशंस एक ड्रामेटिक डिसीजंस के बाद एक ड्रामेटिक डिसीजन लेता है जिसमें मैंडेट एक पास किया जाता है. और इस मैंडेट में करीब 75% लोग वो होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही होते हैं. तो सारे के सारे अटेम्प्ट्स के द्वारा यूनाइटेड नेशंस की जो लिबरेशन फोर्सेस सी 34 कंट्रीज़ में इकट्ठा किया गया. उतों 6,60,000 ट्रूप्स दे फॉट अगेंस्ट इराक एंड इराक वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड दिस बैटल वॉज नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर. इसको हम गल्फ वॉर भी कहते हैं. और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वो ऑपरेशन था दैट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प इन द टू क्विट द कंट्रोल ऑफ इराक ओवर कुवैत. सो नॉर्मल अब ये ऑपरेशन जो था वो बहुत ज़्यादा किस लीडर की अगुवाई में ये किया गया. नॉर्मन स्कॉचकॉफ ही लेड द यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस, कॉलिशन फोर्सेस, जिसमें 75% जो कॉलिशन फोर्सेस थी वो यूनाइटेड स्टेट्स की थी. और अगर 75% कॉलिशन फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स की थी तो इससे ये बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि जो गल्फ वॉर है उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स की हेजमनी कितनी ज़्यादा काम करती है. क्योंकि 75% लोग जो थे वो
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से थे और उन्हीं की मर्जी से गल्फ वॉर करवाया गया। और ये जो ऑपरेशन था यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया फॉर द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय द फोर्स बाय यूजिंग द ट्रूप्स ऑफ 34 कंट्रीज 660,000 ट्रूप्स जो इकट्ठे होकर इराक के अगेंस्ट आए। ये सारे हम इस सारे ऑपरेशन को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम देते हैं। एंड द फर्स्ट गल्फ वॉर इट रिवील्ड मैनी थिंग्स मैनी इम्प्लीकेशंस वी हैव सीन दैट टेक्नोलॉजिकली द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दे आर क्वाइट बिहाइंड एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स देयर मिलिटरी कैपेबिलिटी। एंड इस वॉर को हम स्मार्ट बॉम्ब्स there were smart bombs used in this war. This war is also known as computer war, video game war, because it was widespread. Television coverage was made and viewers all over the world, they have watched the destruction of Iraqi army at various level in the comfort of their living rooms. अपने अपने living rooms में बैठकर जितना पैसा United States ने अपनी forces को भेज के लगाया उससे कई गुना पैसा उसने लाइव कवरेज टेलीविजन कवरेज जैसे कि अगर लाइव कवरेज है कहीं पर किसी को मारा जा रहा है अटैक किया जा रहा है इराकी फोर्सेस का तो उनका लाइव कवरेज दिखाकर उतना पैसा यूनाइटेड स्टेट्स ने कमा भी लिया था। सो यूनाइटेड स्टेट्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई इट इज़ नोन एज कंप्यूटर वॉर वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इराकी फोर्सेस की डिस्ट्रक्शन का लाइव कवरेज television coverage was made all over the world and people were able to see the destruction of Iraqi forces on their television sets in the comfort of their living rooms. So United States ne jitna paisa lagaya tha it had made a huge profit from the war. According to the many reports United States received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia. In sare countries to unne काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्हां दी हेल्प दे नाल काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उन्होंने उन्हां तो बरामद कर लिया सी यूनाइटेड स्टेट्स ने। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट वाई दिस वॉर गल्फ वॉर इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ये भी याद रखना है बिकॉज जब 34 कंट्रीज़ की फोर्सेज इकट्ठी होकर आएंगी तो फिर अकेला इराक का प्रेजिडेंट इराक का डिक्टेटर कह लो प्रेजिडेंट कह लो वो अकेला क्या कर पाता। This is all with the unipolar world. Unipolar world में आपने beginning of new world order भी करना है। तो जब United Nations के decision हुआ कि उन्होंने इराक पर हमला करना है और under the leadership of President George H.W. Bush he started the new world order और ये new world order वही है जिसमें इराक के ऊपर कुवैत को लिबरेट कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप में बहुत सारे देशों की 34 कंट्रीज की फोर्सेस ने इराक पर हमला किया। दिस वाज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज ऑल विद द यूनिपोलर वर्ल्ड। नाउ रिगार्डिंग अफगानिस्तान आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट योर हाउसेज एंड स्टे सेफ। थैंक यू।